चलो एयर अराउंड इस चैप्टर हम लोग का हो रहा है, आगे पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। चलो आगे देखो, कंपोजिशन ऑफ एयर, ठीक है। तो एयर में कितने कितने गैसेस होते हैं, उनका कंपोजिशन जो होता है, ठीक है, तो उसी सब के बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो हम जानते हैं कि एयर इज अ मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस, यानी एयर जो है वो बहुत सारे गैसेस का मिक्सचर है। दीज गैसेस आर ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, अदर गैसेस एंड डस्ट पार्टिकल्स। तो एयर क्या है, यहाँ जो एयर है वो क्या है, मिक्सचर है किसका, बहुत सारे गैसेस का। यानी अगर हम बोलते हैं हम सांस ले रहे हैं तो हम एक मिक्सचर ले रहे हैं किसका, बहुत सारे गैसेस का, ठीक है। एयर तो हमारे अंदर जा ही रहा है नाक से, तो क्या जा रहा है, बहुत सारे गैसेस भी अंदर जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, तो आसपास जो भी एयर है हमारे, तो उसमें क्या क्या है, उसमें गैसेस है। वो गैसेस कौन कौन है, तो वो है हमारे पास ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर। अब क्या वाटर वेपर कोई गैस है, देखो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ऑक्सीजन गैस है, नाइट्रोजन गैस है, और भी गैसेस होते हैं, अदर गैसेस, ठीक है, और भी गैसेस, इसलिए अदर गैसेस दिखे। वाटर वेपर क्या होता है, वाटर वेपर होता है पानी का भाप जो है, जो आसपास मौजूद है। डस्ट पार्टिकल हम सब समझते हैं, छोटे छोटे कण डस्ट जो होते हैं, ठीक है। तो यही सब जो है एयर में मौजूद होते हैं। अच्छा, अब थोड़ा देखो कुछ गैसेस के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। जैसे नाइट्रोजन है, तो हम कहेंगे कि एयर कंटेन 78% ऑफ नाइट्रोजन। यानी एयर जो है, अगर हम बोलते हैं एक हमें यहाँ पे पाए बनाए, पाए मतलब कि एक ऐसे हम परोठा बनाया, हम बताएं कि ये पूरा एयर है, पूरा जो हमारे आसपास है, ठीक है। तो इसमें 78% जो है, लगभग 78%, 78% जो है वो क्या है, नाइट्रोजन है। क्या है, 78%, यानी इतना हिस्सा जो है, अधिकतर इतना बड़ा हिस्सा, ये इतना हिस्सा जो है वो क्या है, लगभग नाइट्रोजन है, ठीक है। 21% ऑक्सीजन होता है लगभग, 21, थोड़ा ज्यादा ही कर दो, 21, ठीक है, 21% जो होता है ऑक्सीजन होता है, और बाकी जो होता है 0.5% जो होता है, 2% 0.5 ही होता है, तो वो जो होता है वो अदर गैसेस होता है और डस्ट पार्टिकल्स वगैरह, ठीक है। तो नाइट्रोजन के बारे में देख रहे हैं, तो कहता है कि एयर कंटेन्स 78% ऑफ नाइट्रोजन, यानी एयर में 78% नाइट्रोजन गैस पाया जाता है। नाइट्रोजन गैस जो होता है वो बर्निंग में सपोर्ट नहीं करता है। यानी अगर हमारे पास नाइट्रोजन गैस है इस रूम में भरा हुआ, और यहाँ पे अगर माचिस जला रहे हैं, तो माचिस जो है नहीं जलेगा, और उससे कोई दूसरा चीज नहीं जलेगा, अगर नाइट्रोजन है तो, क्योंकि नाइट्रोजन जो होता है वो बर्निंग में यानी जलने में मदद नहीं करता है किसी भी फ्यूल को। नाइट्रोजन गैस इज इम्पोर्टेंट फॉर ऑल लिविंग थिंग्स। हाँ, नाइट्रोजन गैस जो है वो सारे लिविंग थिंग्स के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब पढ़ो ऑक्सीजन के बारे में। एयर कंटेन्स 21% ऑफ ऑक्सीजन, एयर में 21% ऑक्सीजन होता है, ठीक है, 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन। ऑक्सीजन गैस इज एसेंशियल फॉर ब्रीदिंग गैस, यानी हम लोग सांस लेते हैं तो कौन सा गैस हम लोग के अंदर जाता है, ऐसे तो सारा गैस जाता है, लेकिन कौन सांस लेने के लिए मतलब एसेंशियल, कौन जरूरी है जिससे हम सांस लेते, तो वो ऑक्सीजन। सो ऑक्सीजन गैस इज ऑल्सो नोन एज ब्रीदिंग गैस, या और ये भी ऐसे भी कह सकते हैं कि ऑक्सीजन गैस इज एसेंशियल फॉर ब्रीदिंग गैस, ठीक है। ऑक्सीजन इज नेसेसरी फॉर द प्रोसेस ऑफ बर्निंग फ्यूल्स सच एज वुड, कोल, एलपीजी, केरोसिन, पेट्रोल एटसेट्रा। सो ऑक्सीजन जो होता है वो नेसेसरी होता है, जरूरी होता है फॉर द प्रोसेस ऑफ बर्निंग फ्यूल्स, यानी जलने के लिए, फ्यूल्स को जलाने के लिए, ईंधन को जलाने के लिए जो है ऑक्सीजन नेसेसरी होता है। जैसे हम लकड़ी जलाना चाह रहे हैं, अगर हमारे पास कोयला है, एलपीजी है, कोल मतलब कोयला, एलपीजी है, केरोसिन है यानी करासन तेल है, पेट्रोल है, ये सब चीज है, तो इन सबको हम फ्यूल्स कहते हैं, क्या कहते हैं, फ्यूल्स। तो इनको जलाने के लिए जो है ऑक्सीजन जरूरी होता है, ठीक है। तो माचिस अगर हम लगाते हैं लकड़ी में, या फिर मान के चलो कोयला में, उसको हम आग देते हैं कोयला को या फिर लकड़ी को, तो क्या होता है, वो जलता है। क्यों जलता है, क्योंकि उसके आसपास ऑक्सीजन है, क्या है, ऑक्सीजन है, ठीक है। और देखो आसपास तो एयर है, एयर में नाइट्रोजन भी है, लेकिन नाइट्रोजन मदद नहीं कर रहा है, ऑक्सीजन मदद कर रहा है, ठीक है। कौन मदद करता है, ऑक्सीजन, किसमें, जलने के लिए, ठीक है। चलो अब पढ़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में। चलो आगे देखो कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में। द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर इज कंपैरेटिवली स्मॉल बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो मात्रा है एयर में वो बहुत ही कम होता है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो हिस्सेदारी है वो एयर में कम है,
सो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होगा। नहीं, ये इंपॉर्टेंट है। देखो कैसे, द प्लांट्स नीड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो पौधों को जो है कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, प्लांट्स को क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। किसके लिए? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करने के लिए, तभी वो अपना भोजन बना पाएंगे और फिर उससे हमको ऑक्सीजन जो है मिल पाएगा उनसे, किन से, प्लांट से। इट डज नॉट सपोर्ट बर्निंग, तो ये बर्निंग को सपोर्ट नहीं करता है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये बर्निंग को सपोर्ट नहीं करता है, और ये करता क्या है, सपोर्ट तो नहीं करता है बल्कि इसके बजाय ही और डिमोटिवेट कर देता है बर्निंग को। अब इसका क्या मतलब है, तो देखो, कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज एज अ फायर एक्सटिंग्विशर। कार्बन डाइऑक्साइड जो है फायर एक्सटिंग्विशर की तरह यूज होता है, आग बुझाने वाला, एक्सटिंग्विशर मतलब बुझाने वाला। तो नहीं कहते हैं कि सपोर्ट तो भाई नहीं कर रहे हो, लेकिन चलो कोई बात नहीं, सपोर्ट नहीं कर रहे हो, मदद नहीं करो, कोई बात नहीं, कम से कम टांग तो मत खींचो, उसको दबा तो मत दो, है ना। कहते हैं ना कि अगर कोई आदमी आगे बढ़ रहा है तो उसका सपोर्ट करो, नहीं कर रहे हो तो भाई कोई बात नहीं, कम से कम उसको दबाओ तो मत, कम से कम उसको नीचे तो नहीं ले जाओ, ठीक है। तो वही काम कार्बन डाइऑक्साइड करता है, ये बर्निंग को सपोर्ट करता है बिल्कुल भी नहीं है, उसके बजाय सपोर्ट तो नहीं करता है, और इसकी जगह करता क्या है, और आग को बुझा देता है, यानी आग जल रहा ऑक्सीजन के कारण, ठीक है। हम यहाँ माचिस जला है, कागज है यहाँ पे, तो कागज में आग पकड़ा, जल रहा है, ऑक्सीजन है इसलिए वो जल रहा है, ठीक है। अगर हम फायर एक्सटिंग्विशर जो देखते होगे, वो जो आग बुझाने वाला होता है, उसमें क्या होता है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है। अब जैसे उसको तुम डालोगे उस पर, तो एक परत बिछा लेता है कार्बन डाइऑक्साइड का, तो जैसे ही कागज के ऊपर जो जल रहा है उस पर परत बिछ जाता है, तो ऑक्सीजन से कॉन्टेक्ट टूट जाता है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड का जो परत है, जो पूरा चादर एक छेप लेता है, चादर से मतलब ना एक लेयर छप जाता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस का, उस कागज के जले जलते हुए कागज के ऊपर, और ऑक्सीजन से कनेक्शन टूटता है, जैसे ही कनेक्शन टूटता है वो जलना बंद हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज्ड एज अ फायर एक्सटिंग्विशर। व्हिच गैस इज यूज्ड एज अ फायर एक्सटिंग्विशर? सो इट इज कार्बन डाइऑक्साइड गैस व्हिच इज यूज्ड एज अ फायर एक्सटिंग्विशर। व्हिच गैस डज नॉट सपोर्ट बर्निंग? कार्बन डाइऑक्साइड गैस डज नॉट सपोर्ट बर्निंग। व्हिच गैस सपोर्ट्स बर्निंग? ऑक्सीजन गैस सपोर्ट्स बर्निंग, ठीक है। वाटर वेपर के बारे में थोड़ा पढ़ो। द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इन द एयर इज इम्पोर्टेंट फॉर द वाटर साइकिल इन नेचर, ठीक है। तो वाटर वेपर जो है, एयर में वाटर वेपर का होना, एयर में वाटर वेपर का मौजूद होना बहुत जरूरी है वाटर साइकिल बनाए रखने में नेचर में, ठीक है। चूंकि वाटर वेपर प्रेजेंट है एयर में, इसलिए वाटर साइकिल हो पा रहा है, याद रखना, ठीक है। डस्ट एंड स्मोक। डस्ट क्या होता है, इसको कहते हैं हम लोग धूल, डस्ट को हम कहते हैं धूल, और स्मोक को कहते हैं धुआं। कोयला जलता है, धुआं निकलता है ना, तो ये स्मोक है। डस्ट क्या है, धूल, आसपास जो धूल उड़ रहा है वही डस्ट है। डस्ट कम्स इनटू द एयर फ्रॉम द ब्लोइंग ऑफ द विंड, यानी हवा के बहने से जो है डस्ट, यानी जो धूल है वो आ जाता है। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज, यानी कहीं पे घर वगैरह बन रहा है, मकान वगैरह बन रहा है, कोई बिल्डिंग खड़ा हो रहा है, तो वहां पे क्या होता है, बालू चाला जाता है ना, बालू वगैरह जो है चाला जाता है, तो उससे धूल उड़ता है, तो वो जो धूल है वो एयर में मिक्स हो जाता है, ठीक है। सो डस्ट कहां से आता है, सो डस्ट कम्स फ्रॉम द ब्लोइंग ऑफ द विंड एंड द कंस्ट्रक्शन एंड फ्रॉम द कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज एटसेट्रा, और भी कारण होता है धूल को एयर में आने का, ठीक है, धूल का एयर में आने का और भी कारण होता है। स्मोक इज प्रोड्यूस्ड बाय द बर्निंग ऑफ फ्यूल्स, जब भी फ्यूल्स जलता है, फ्यूल्स यानी ईंधन, कोयला हो गया, एलपीजी हो गया, जो भी ये सब चीज, जो भी फ्यूल्स है, जब भी वो जलता है तो उससे क्या प्रोड्यूस होता है, स्मोक यानी धुआं, क्या कहते हैं, धुआं, स्मोक मतलब धुआं, तो इससे क्या प्रोड्यूस होता है, धुआं, किससे, बर्निंग ऑफ फ्यूल से, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, आगे देखो, एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन इज द कॉन्टेमिनेशन ऑफ एयर बाय एन अनडिजायरेबल सब्सटेंस नोन एज एयर पॉल्यूशन, ठीक है। सो एयर पॉल्यूशन क्या है, जब भी एयर में कुछ अनडिजायरेबल सब्सटेंस, डिजायरेबल मतलब होता है जैसे वैसे सब्सटेंस जिन्हें हम चाहते हैं, जो अच्छे होते हैं, अनडिजायरेबल मतलब ऐसे सब्सटेंस जो अच्छे नहीं होते हैं हमारे हेल्थ के लिए और आसपास के एनवायरमेंट के लिए। सो जब अनडिजायरेबल सब्सटेंस कॉन्टेमिनेट हो जाते हैं, यानी मिक्स हो जाते हैं एयर में, ठीक है, तो हम कहते हैं कि एयर जो है वो पॉल्यूटेड हो गया, यानी एयर पॉल्यूशन हो रहा है, ठीक है। जैसे खतरनाक गैसेस हो गया, जैसे गाड़ी वगैरह चलता है, मोटरसाइकिल्स वगैरह, तो उससे कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, ये सब निकल रहा है, ठीक है। पेपर प्लास्टिक जलाने से जो धुआं निकलता है, वो सब जो है अनडिजायरेबल सब्सटेंस है, ठीक है।
तो ये सब जब एयर में मिक्स हो जाते हैं तो हम कहते हैं कि एयर पॉल्यूट हो चुका है और एयर पॉल्यूशन बढ़ रहा है। ठीक है, अब एक टिप देखो। ठीक है, द चिमनीज इन द फैक्ट्रीज आर मेड लॉन्ग। चिमनी देखते होगे, चिमनी। ठीक है, तो फैक्ट्री में जो चिमनी होता है, फैक्ट्रीज में जहाँ पे काम काम वगैरह होता है, जो भी सामान वगैरह बनता है, जो भी काम धंधा होता है, तो जो उनमें चिमनीज होता है फैक्ट्रीज में, वो लंबे बनाए जाते हैं। ऐसे चिमनीज समझते हो ना, ये लंबा लंबा जो चिमनी होता है जिससे धुआं वगैरह निकलता है। ठीक है, वो उन्हें लंबा बनाया जाता है। द लॉन्ग चिमनी कैरीज द हार्मफुल स्मोक एंड गैसेस अवे फ्रॉम द ग्राउंड एंड रिड्यूसेस द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ दीज गैसेस। ठीक है, तो ये जो लंबे लंबे चिमनीज होते हैं, तो ये क्या करते हैं, जो भी गैस फैक्ट्री में कोई भी काम हो रहा है तो उससे गैस निकलेगा, कोई केमिकल्स बन रहा है, जो भी चीज़ हो रहा है तो उससे क्या हो रहा है, गैस निकल रहा है। तो वो गैसेस जो होते हैं वो चिमनीज से बाहर के एनवायरनमेंट में जाते हैं, तो इन चिमनीज को इसलिए लंबा बनाया जाता है, लंबा बनाया जाता है, जिससे कि क्या हो, ये गैसेस जो हैं ग्राउंड से ऊपर की ओर जाके छोड़े जाएं। ठीक है ना, तो अगर चिमनी छोटा है तो क्या होगा, आसपास ही फैल जाएगा, है ना, ग्राउंड से नज़दीक हो जाएगा, इसलिए इन चिमनीज को ग्राउंड से एकदम ऊपर अच्छे हाइट पे बनाया जाता है, मतलब ग्राउंड पे ही बनाया जाता है, लेकिन लंबाई इसका इतना होता है कि गैसेज जो है जाके ऊपर की ओर वातावरण में जाए, जिससे कि ग्राउंड पे रहने वाले लोगों को या फिर जो भी अलग दूसरे लिविंग बींग्स हैं उनको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, और इससे क्या हो कि ये जो हार्मफुल गैसेज है, यानी ये जो खतरनाक गैसेज है, हार्मफुल स्मोक हो गया, और जो ये जो हार्मफुल गैसेज है यानी खतरनाक गैसेज, इनका जो इफेक्ट है वो हमारे वातावरण पे थोड़ा कम पड़े और हमारे आसपास के लोगों पे भी कम पड़े इनका हार्मफुल इफेक्ट। ठीक है, वी इनहेल एयर व्हेन वी ब्रीद थ्रू आवर नोजेस। ठीक है, तो हम जो है एयर इनहेल करते हैं, ठीक है, जब हम अपने नाक से सांस लेते हैं। ठीक है, द फाइन हेयर्स एंड म्यूकस प्रेजेंट इनसाइड द नोज प्रेजेंट प्रिवेंट द डस्ट पार्टिकल्स फ्रॉम इंटरिंग आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, तो हमारे नाक के अंदर कभी देखे होंगे, ठीक है, आईना कैमरा वगैरह में या फिर आईना में देखना, अगर नहीं देखे हो हमको तो लगता है देखे होंगे कि यहाँ पे क्या होता है, बाल होता है नाक के पास, यहाँ क्या होता है, अंदर अंदर जो है नाक के अंदर, इसके ठीक अंदर जो है बाल होता है और म्यूकस होता है। म्यूकस मतलब तुम समझ सकते हो एक प्रकार से चिपचिपा जैसा जो है ना, मतलब यहाँ पे रहता है। ठीक है, इसलिए जब नाक सर्दी होता है तो जो नहीं बोलते हैं एकदम नाक बह रहा है, एकदम परेशान है, घिन लगता है, तो वो म्यूकस होता है। ठीक है, या फिर खांसी वगैरह होता है तो जो खखाड़ आता है वो भी म्यूकस होता है, म्यूकस फेलगम इसी सब चीज़ को कहते हैं। ठीक है, सो नाक के अंदर जो बाल होता है, ठीक है, तो ये मत समझो ये घिन का बात है, इसको समझो, इसका एक इसका डेफिनेट पर्पस है। क्या पर्पस है, ये जो हेयर्स और ये जो म्यूकस है वो क्या करते हैं, जो भी हार्मफुल डस्ट घुस रहा है वो ब्लॉक कर देता है, ऐसे समझो। ये रहा नाक, कुंभकर्ण का नाक, ठीक है, और यहाँ रहा नाक के अंदर का बाल, और ये रहा चिपचिपा गंदा गंदा। ठीक है, थोड़ा हम घिना देते हैं, हमको पता है, लेकिन क्या करोगे, सीखना तो पड़ेगा। ये रहा डस्ट पार्ट के लिए, बोला मैं चला अंदर, मैं चला कुंभकर्ण के नाक के अंदर। अब यहाँ पे क्या है, हेयर्स है, ठीक है, हेयर्स, तो ये हेयर्स है और उनमें म्यूकस सटा हुआ है ना, म्यूकस है, हेयर्स है, तो ये क्या होगा, ये अंदर जैसे घुसेगा जाके चिपक जाएगा, चिपक जाएगा। और हम लोग देखते हैं नाक हम लोग का गंदा होता है, बोलना नहीं चाहिए हमको, हमको पता है बहुत गंदा बात है हम जो बता रहे हैं, लेकिन क्या करें, नाक सफाई करते हैं हम लोग जब भी हम लोग बाथरूम से निकलते हैं। ठीक है, जो अपना दिन का जो शौच होता है उसको करके जब भी हम ब्रश करते हैं तो हम लोग नाक वगैरह की सफाई करते हैं डेली, हमेशा जो है सुबह नाक की सफाई करनी चाहिए। ठीक है, और थोड़ा सा कड़वा तेल जो है वो नाक में हल्का सा लगा लेना चाहिए, बहुत अंदर भी नहीं दुखेगा, हल्का सा नाक यहाँ पे लगा लेना चाहिए, जिससे कि नाक जो है वो अच्छा रहे। ठीक है, सर्दी वगैरह से भी प्रिवेंशन होगा। ठीक है, और फिर साबुन से हाथ भी धोना चाहिए अच्छे से एकदम। तो क्या होता है कि ये जो डस्ट पार्टिकल से जाके चिपक जाते हैं, क्या हो जाते हैं, चिपक जाते हैं, कहाँ चिपकते हैं, इन हेयर्स में चिपकते हैं, हार्मफुल डस्ट पार्टिकल्स चिपकते हैं, ये जो खतरनाक वाले हैं, ठीक है, ये डस्ट पार्टिकल्स चिपकते हैं और अच्छे जो भी गैसेज है वो आराम से चल जाते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि ये जो डस्ट पार्टिकल है अगर ये अंदर चल जाता, अगर ये अंदर चल जाता तो ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में जाता, यहाँ पे जाता, ये हमारे लंग्स फेफड़ा को डिस्टर्ब करता है, वहाँ पे डिजीज काउज करता, तो उससे क्या होता है, हमारा प्रिवेंशन हो जाता है। ठीक है, तो ये एक टिप था जो कि जानना जरूरी था, हमको पता है इस वीडियो को हम बहुत ही मतलब जो मतलब नहीं बोलते एकदम कचड़ा कर दिए, ऐसे पढ़ते खाते समय कभी ये चीज़ मत समझना, घिन लगेगा। ठीक है, चलो, इफ वी ब्रीद थ्रू आवर माउथ, अगर हम अपने मुंह से सांस लें,
ठीक है। मेरे सर हमको याद है, मेरे सर केमिस्ट्री पढ़ाने वाले हमको बोले थे कि कभी भी मुंह से सांस नहीं लेना चाहिए, ठीक है। पहले हमको नहीं पता था, पहले ऐसे ही नहीं होता, बचपना में हम ऐसे करते थे, हवा खा रहे हैं, हवा खा रहे हैं, ठीक है, हो जाता है, बहुत लोग तुम लोग भी करते होगे। तो मेरे सर बोले कि नहीं, कभी मुंह से सांस नहीं लेना चाहिए। तो हम बोले सर क्यों नहीं लेना चाहिए? तो वो बताएं इस पर कि देखो, जब तुम मुंह से सांस लोगे तो जो भी हार्मफुल डस्ट पार्टिकल है, अब मुंह में तो ऐसे खुला है आ, तो पूरा एकदम नली है कि आराम से अंदर जाओ, रास्ता है, तो डस्ट पार्टिकल जो अंदर जाएंगे और यहाँ फेफड़ा में पहुँचेंगे, और उससे क्या होगा कि प्रॉब्लम क्रिएट होगा, ठीक है। क्योंकि हार्मफुल डस्ट पार्टिकल मौजूद होते हैं, इसलिए तो कहा जाता है कि एयर पॉल्यूशन से बचने का कोई उपाय किया जाए, इसीलिए बोला जाता है, ठीक है। तो कभी अगर हम अपने मुंह से सांस लेते हैं तो जो हार्मफुल डस्ट पार्टिकल है जो कि एयर में मौजूद है, वो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में एंट्री कर सकते हैं और हमारे हेल्थ को डैमेज कर सकते हैं। सो वी शुड नॉट ब्रीथ थ्रू आवर माइज। सो क्वेश्चन आ सकता है, वाई शुड वी नॉट ब्रीथ थ्रू आवर माउथ, ठीक है। सो लिखेंगे, वी शुड नॉट ब्रीथ थ्रू आवर माउथ बिकॉज द हार्मफुल डस्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द एयर मे इंटर आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड काउज डैमेज टू आवर हेल्थ। सो वी शुड नॉट ब्रीथ थ्रू आवर माउथ, वी शुड ऑलवेज ब्रीथ थ्रू आवर नोज। दैट इज वाई नेचर हैज गिवन अस नोज फॉर ब्रीदिंग, ठीक है, फॉर ब्रीदिंग। ओके, ठीक है, चलो आगे देखते हैं। चलो अब ये देखो कि हाउ इज द ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर रिप्लेस्ड। तो एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन, वो कैसे रिप्लेस होता है, मतलब कि हमको ऑक्सीजन मिल रहा है वो कहाँ से मिल रहा है, ठीक है। अच्छा, हमसे कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, सांस लिया ऑक्सीजन, मुंह से जो ये निकला ये कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो जो भी कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, ठीक है, तो वो ऑक्सीजन मतलब वो कोई तो होगा जो इस्तेमाल कर रहा होगा उस कार्बन डाइऑक्साइड को, फिर हमको ऑक्सीजन दे रहा होगा, फिर हम ऑक्सीजन इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये प्रोसेस चल रहा है। तो ऐसा कैसे हो रहा है ये देखो। सो द ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर इज कंज्यूम्ड बाय द एनिमल्स, ठीक है। तो जो ऑक्सीजन जो कि एयर में मौजूद है वो एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स के द्वारा कंज्यूम कर लिया जाता है, यानी इस्तेमाल कर लिया जाता है फॉर रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन होता है जो भी हम खाना खाते हैं तो उससे एनर्जी, उसका ब्रेक डाउन होना, ठीक है, तो वही रेस्पिरेशन कहलाता है और उससे हमको एनर्जी मिलता है। रेस्पिरेशन क्या होता है कि द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स फूड जो भी हम खाते हैं तो वो जो टूटता है उसे ही हम रेस्पिरेशन कहते हैं, और उससे हमको एनर्जी मिलता है और कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है रेस्पिरेशन के दौरान, ठीक है। सो रेस्पिरेशन के लिए क्या जरूरी है? ऑक्सीजन जरूरी है। किसके लिए? एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स जो है ऑक्सीजन का इस्तेमाल कर लेते हैं फॉर रेस्पिरेशन। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एयर में रिलीज हो जाता है, विच इज यूटिलाइज बाय द प्लांट्स टू मेक देयर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो रेस्पिरेशन हो रहा है, ठीक है, हम लोग ऑक्सीजन लिया, रेस्पिरेशन हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड निकला, वो कार्बन डाइऑक्साइड जो एयर में गया, वो कार्बन डाइऑक्साइड जो एयर में गया उसका इस्तेमाल कौन करता है? उसका इस्तेमाल प्लांट कर लेता है, ठीक है। किस चीज के लिए? कार्बन डाइऑक्साइड जो एयर में गया उसका इस्तेमाल कौन करता है? प्लांट। किस चीज के लिए? अपना खाना बनाने के लिए। वो अपना खाना बनाता है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। सो प्लांट जो है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करता है, और उसके लिए उसको कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है, और वो कार्बन डाइऑक्साइड उसको कहाँ से मिलता है? हम लोग से मिलता है। तो जो एयर में हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़े वो कौन लिया? वो प्लांट लिया, ठीक है। और फिर प्लांट जो है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस किया, और उस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होने के बाद जो फूड बना, तो फूड के साथ साथ जो है और क्या मिला? ऑक्सीजन मिला। फिर वो ऑक्सीजन हमको एयर में आ जाता है, फिर इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं फिर रेस्पिरेशन के लिए। तो ये जो प्रोसेस है ये चलते रहता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि हम लोग एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट हैं, यानी एक दूसरे पे निर्भर हैं। दस प्लांट्स एंड एनिमल्स हेल्प इन मेंटेनिंग द बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, यानी प्लांट और एनिमल जो हैं ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का बैलेंस बनाने में मदद करते हैं एयर में। दिस शोज द इंटरडिपेंडेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो ये जो है प्लांट्स और एनिमल्स का इंटरडिपेंडेंस भी दिखाता है। एयर अराउंड अस क्लास सिक्स एनसीईआरटी हो चुका है, ठीक है। जितना थ्योरी हमको इसमें बताना था हम बता चुके हैं, ठीक है। अब क्या है? अब करना है एनसीईआरटी सॉल्यूशन, ठीक है। तो इसका एनसीईआरटी एक्सरसाइज होगा, ठीक है। तो उसको पहले बनाना खुद से, नहीं समझ में आएगा तो यहाँ पे भी देखना और उसको सीखना, ठीक है। चलो।